मंदिर में कोई जाता है, किसान जाएगा तो फावड़ा लेके जाएगा कि दिखाई देगा कि ये किसान है? अरे भाई, वहां मंदिर में जाएगा तो भक्त बन के जाता है, वो थाल लेके जाता है, फूल माला लेके जाता है, वहां सब एक समान होता है। तो राहुल गांधी मानसिक रूप से विक्षिप्त है और उनको गाने, नाच या डांस दिखाई दे रहा है जिसे, उसको कीर्तन बोलते हैं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ परमात्मा के प्राप्ति के तीन माध्यम है, ज्ञान, भक्ति और वैराग। तो भक्ति में आता है, जहाँ भक्त जाते हैं तो झाल मजीरा बजाते हैं, भजन करते हैं, संकीर्तन करते हैं और भगवान के स्तुति गाते हैं। लेकिन रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिख दिया है ना कि जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत देखी तीन तरह, जैसी जिसकी भावना होती है वो उसको उसी तरह दिखाई देता है। तो ये तो क्लब वाले व्यक्ति है राहुल गांधी जी, खुद ही जहाँ जाते हैं वहां नाइट क्लब में घूमते रहते हैं, इनके कई वीडियो फोटो भी आए हैं। तो उनको अयोध्या जी में भी क्लब ही दिखाई दे रहा है और सनातन का अपमान कर रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से मानसिक रूप से ये कहीं ना कहीं या तो बच्चे वाली इनकी मानसिक स्थिति है या तो मेंटल टाइप के हैं। तो इनको अपने इलाज कराने की आवश्यकता है, क्योंकि जो व्यक्ति जो है हमारे यहाँ भक्ति को या भजन को या संकीर्तन को ये कहे कि वो नाच गाने हो रहे हैं तो उससे बड़ा दिवालिया कौन होगा। तो ये तो खुद तो चुनाव आता है तो जनेऊ पहन लेते हैं और ऐसे फिर राम मंदिर और तमाम पे टिप्पणी करने लगते हैं। और वहाँ पे अडानी जाए, अंबानी जाए, चाहे किसान जाए, वहाँ पता थोड़े चलता, सब तो भक्त बन के जाते हैं। और अडानी अंबानी जो है वहाँ उद्योगपति के रूप में नहीं जाए, किसान अपने फावड़ा लेके नहीं जाएगा, वहां तो सब नॉर्मल तरीके से जाएंगे ना। सबका काम है भाई, उद्योगपति हो या गरीब हो या अमीर हो, भगवान तो सबके लिए है और सब भगवान के द्वार पे जा सकता है। तो इसलिए राहुल गांधी तो स्वयं नहीं गए, एक कहावत मैंने कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ये इस तरह से मेंटल वाली बातें कर रहे हैं और गिरी हुई, और खुद ही राम मंदिर के दर्शन करने नहीं गए, आज तक नहीं गए, उस समय भी नहीं गए। तो इससे बड़ा, अरे पहले सूप हंसे तो हंसे, चारण हंसे जिसमें 72 छेद है, तुम्हें खुद भगवान पे आस्था है नहीं? कहते हो कि मंदिरों में लड़की छेड़ने के लिए लोग जाते हैं, आज तुम जो है तो तुम बोलने का अधिकारी नहीं हो भाई, क्रिश्चियन भाई। तो ये राहुल क्रिश्चियन है, वो अपनी अपनी जाके चर्च में अपनी प्रार्थना पे बोले, चर्च पे बोले तो समझ में आता है, मंदिरों पे क्यों बोलते हो तुम जब पूजा नहीं कर सकते, जा नहीं सकते? अगर तुम्हारी आस्था हो बोलते तो समझ में आता, तुम्हारी आस्था है न, तुम जाते हो राम मंदिर, न तुम गए, न कोई आपकी प्यारी बहना गई, न तो आपका कोई परिवार गया, तुम तो पार्टी को भी मना कर दिए थे, इसीलिए तो कितने पार्टी के लोगों ने पार्टी इनकी छोड़ दिया। तो जब तुम गए ही नहीं और बस बहसबाजी करते रहोगे, स्टेज पे बैठोगे तो पप्पी झप्पी खेलोगे, तो इस तरह के लोग नॉन सीरियस हैं। तो राजनीति के लिए सच पूछिए तो ये दुर्भाग्यपूर्ण चल रहा है कि इस तरह के विपक्ष नेता है जिसको सेंस ही नहीं है कि हमें क्या करना है, क्या बोलना है, कहां, अरे देश की जो ज्वलंत मुद्दे उसके उठाओ। बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, उस पर तो तुमने टिप्पणी मुंह सील लिया है तुमने, है? और उसके खेले प्लेयर आ गए भारत में, उस पर तुम नहीं, उनका विरोध तो तुम करोगे नहीं, तो और तुम बोलोगे राम मंदिर पे। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, राहुल गांधी की बयान निंदनीय है, मैं इसकी निंदा करता हूं।